हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम आ रखे हैं दिल्ली और मेरे साथ है शाहरुख। इधर देख ले भाई। और अभी हम आ रखे हैं हुमायूं के मकबरे में और हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है। हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है और एक टिकट जो है वो 40 रुपए का है और दो टिकट मैंने लिए हैं। और यहाँ पे जो टिकट मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं, कॉइंस की तरह के। अब हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. क्या प्यारी जगह है दोस्तों। यहाँ से ये एंट्री का दरवाज़ा है। और अगर आपने हुमायूं का मकबरा, अगर मैं आपको हुमायूं के बारे में, जो है वो सेम ताजमहल की 2 कॉपी है। मतलब पहले ये बना, उसके बाद ताजमहल बना। आ जाओ और इस तरफ दिखा दो। एक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग आ रही है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये जो हुमायूं का मकबरा है ये निज़ामुद्दीन दिल्ली में है। और इसके जो साइड में मैंने आपको पीछे दिखाया था वो था उधर साइड में ईसा का मकबरा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं इस परिसर के अंदर क्या क्या आता है। इस ये जो हुमायूं का मकबरा है, इस परिसर के अंदर आता है आपका नीरा गुंबद, बू हलीमा और अरब हलाई। ये मुख्य संरचनाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। और compass was wrong, and I'm still on my feet, lost to where I belong. I'm still calling to pray. और अब हम यहाँ पे दूसरे कमरे में एंटर करते हैं। देखिए इसमें क्या है। और ये देखिए, ये हुमायूं का मकबरे का पूरा मैप है, मतलब एक डबल कॉपी है। सामने बीच में हुमायूं का मकबरा है, इधर नीला गुंबद। और ये पूरे देखिए चारों तरफ बाग ही बाग है, ऐसा दिखता है कुछ ऊपर से। अगर ड्रोन से शॉट लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हुमायूं का मकबरा। और चारों तरफ फुवारे हैं और चार बाग शैली में ये बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मैं आपको, ये जो पिक्चर है इसमें देता हूँ मैं आपको। और इस मकबरे का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है मिराक मिर्ज़ा गियास ने और 1933 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया, यानी कि विश्व धरोहर स्थलों में इसे शामिल किया गया। और दोस्तों इस मकबरे के निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो ये 1565 से 1572 के बीच में बनके तैयार हुआ है, लगभग 7 से 8 साल में। और इसको जो बनवाया था ये हुमायूं की जो बेगम थी हमीदा बानू, उनके आदेश पर ये बनवाया गया था। और एशिया का सबसे पहला गार्डन वाला मकबरा है ये देखिए आप देखेंगे इसके चारों तरफ गार्डन है
और यहाँ पे फुवारे भी लगे हुए हैं इसके ठीक चारों तरफ। और यहाँ केवल हुमायूं की मकबरा ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ लगभग 100 से अधिक कब्रें और हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं ये सारी कब्रें ही हैं। और कुछ कब्रें उधर भी हैं पीछे की तरफ, जहाँ से हम आए थे अभी ईसा का मकबरा था वहाँ पीछे, तो वहाँ पर भी थी। और जो ये हुमायूं की मृत्यु हुई थी ये लगभग 1556 के आसपास हुई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण, तो उसी के बाद फिर ये मकबरे का निर्माण हुआ। जो लोग यहाँ पे बस वगैरह से आना चाहते हैं वो किसी भी बस अड्डे कश्मीरी गेट या फिर और कहीं पे उतर सकते हैं, फिर वहाँ से मेट्रो के ज़रिए सबसे पास में जो मेट्रो स्टेशन है वो हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। और जो लोग ट्रेन से आते हैं वो हर जगह से हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे उतर करके वहाँ से ऑटो ले करके आप यहाँ पे सीधा आ सकते हैं। लगभग 4 किलोमीटर दूर है बस। वैसे देखने से तो ये चारों तरफ से एक जैसा दिखता है, लेकिन इसके अगर हमें अंदर जाना है तो एक ही दरवाज़ा है, एक ही तरफ है। और अब हम यहाँ से एंटर करते हैं। ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है, पुराने समय का दरवाज़ा है ये। और ये साइड में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कमरे हैं। और ये जो मेन, ये हम बीच में पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये मेन जो मेन कब्र है ये हुमायूं की कब्र है। वैसे ये आर्टिफिशियल कब्र बना रखी है, जो मुख्य कब्र है वो उसके नीचे दबी हुई है, मतलब नीचे के कमरों में है, वहाँ पर हम जा नहीं सकते। और ये ऐसे आपको जालीदार, आपको रोशनदार दिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं आप। चलिए दूसरे कमरे में चल के देखते हैं क्या है। और सबसे बढ़िया जो समय है यहाँ पर विज़िट करने का, अगर आप हुमायूं का मकबरा आना चाहते हैं तो, वैसे तो ये 7 दिन खुला रहता है सप्ताह के, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो सितंबर से मार्च का है, क्योंकि जब हम अभी आ रखे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप सितंबर से मार्च में आएंगे तो बहुत अच्छा समय लगेगा, वो